तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक ब्लॉक है और वो ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है, और जिसका मास स्मॉल एम ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑन ए रफ हॉरिजेंटल प्लेन एक्टेड बाय द हॉरिजेंटल फोर्स पी। अगर एक ये यहाँ पर ब्लॉक है हॉरिजेंटल सरफेस पे, और वो यहाँ पे रेस्ट में रुका हुआ है, और इसके ऊपर वर्टिकल से थीटा डिग्री पर एक फोर्स लगाया जा रहा है क्यू। ए ब्लॉक ऑफ मास एम लाइंग हॉरिजेंटल सरफेस बाई अप्लाइंग द हॉरिजेंटल फोर्स पी अनदर फोर्स क्यू एटिंग। एक हॉरिजेंटल फोर्स इधर से पी लगा रहे हो और एक यहाँ से वर्टिकल से थीटा डिग्री पर क्यू लगा रहे हो। ये जो है एंगल थीटा डिग्री है जो कि क्यू लगा रहे हो। द ब्लॉक फिर भी चल ही नहीं रहा, इक्विलिब्रियम में मेंटेन है। तो अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम में यहाँ पर मेंटेन है, समझ में आ रहा है, अगर ब्लॉक इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो म्यू निकालना है। देखो सबसे पहले हम ब्लॉक का इक्विलिब्रियम देखते हैं, सबसे पहले लगने वाले सारे फोर्स दिखाते हैं। तो इसके ऊपर नॉर्मल इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा नॉर्मल, और एक पी का एक कंपोनेंट कॉस वाला इधर आएगा जो इसका नाम होगा पी कॉस थीटा, और पी का एक कंपोनेंट सॉरी क्यू का एक कंपोनेंट इधर, एक क्यू होगा क्यू कॉस थीटा, क्यू का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि क्यू साइन थीटा होगा। और यहाँ पे जो है एम जी है इस ब्लॉक पे वर्टिकली डाउनवर्ड लगेंगे। अब हॉरिजेंटल में दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक ही है तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगेगा इधर को, ठीक है ना। कुल मिला के अगर इस को देखोगे तो इस पे वर्टिकली नॉर्मल नॉर्मल ऊपर आया और नीचे आ रहा है ये एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा, और इधर आ रहा है पी प्लस क्यू साइन थीटा, और इधर आ रहा है फ्रिक्शन लिमिटिंग आएगा मैक्सिमम, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो म्यू हमें निकालना, ऑब्वियसली लिमिटिंग का केस होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा क्योंकि म्यू तभी निकाल पाएंगे हम लोग लिमिटिंग के केस में। तो कुछ नहीं है, ब्लॉक का इक्विलिब्रियम देख लो, यहाँ से नॉर्मल प्लस नॉर्मल बराबर होगा एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो नॉर्मल तो यहाँ से हमें नहीं निकाल लिया, और भी तो चीज़ें हमें निकालनी है। तो नॉर्मल के अलावा कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन बराबर होगा पी प्लस क्यू साइन थीटा, और यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी म्यू एन दैट इज पी प्लस क्यू, यहाँ से साइन थीटा के इक्वल होगा। तो म्यू यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू डाल दो, एम जी प्लस यहाँ से क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, यहाँ से साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से म्यू एम जी प्लस यहाँ से म्यू क्यू यहाँ से कॉस थीटा दैट इज मस्ट बी इक्वल टू पी प्लस क्यू साइन थीटा। हम लोगों को म्यू चाहिए बच्चों, तो अगर म्यू चाहिए तो म्यू के लिए तुम देखोगे यहाँ से म्यू यहीं से कैलकुलेट कर लो, म्यू की वैल्यू पी प्लस क्यू साइन थीटा, और डिवाइड कर दो म्यू यहीं से डिवाइड कर दो एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ द म्यू, मतलब म्यू की वैल्यू लिमिटिंग स्टेट यहाँ से कोफिशियंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना होना चाहिए। तो पी प्लस क्यू यहाँ से देखोगे पी प्लस क्यू या एम जी प्लस यहाँ से क्यू कॉस थीटा, मतलब ए ऑप्शन अपना मैच कर जाता है। आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो।